सेक्टर 39 के गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अपग्रेडेशन के लिए बुधवार को पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने नींव पत्थर रखा। इस मौके पर उनके साथ चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर, चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल, एजुकेशन सेक्रेटरी पूर्वा गर्ग, स्थानीय पार्षद गुरबख्श रावत मौजूद रहीं। पंजाब के राज्यपाल ने इस मौके पर नींव पत्थर रखा। इस अवसर पर गवर्नर पुरोहित ने चंडीगढ़ के सभी सरकारी स्कूलों में 400 कंप्यूटर और 770 टैबलेट, 109 LED दिए जा रहे हैं, और जो 10 नए स्कूलों का लक्ष्य था उसमें से 2 का भूमि पूजन तो पहले ही कर दिया गया था। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि भारत शिक्षा के प्रति हमेशा अग्रणी रहा है, यह कर्म लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं, यह शिक्षा नीति विद्यार्थियों के एकदम अनुकूल है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन का उद्देश्य है कि चंडीगढ़ का हर एक बच्चा शिक्षित हो। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि उनको कई बार यह सुनकर दुख होता है कि विद्यार्थियों को सीट नहीं मिलती है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ के सभी सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दे रहे हैं। उन्होंने कहा, जैसे कृष्ण और सुदामा का उदाहरण देकर बताया कि यहाँ के बड़े अफसरों से लेकर आम आदमी तक के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं। चीफ इंजीनियर, UTCV हो जा, चीफ आर्किटेक्ट श्री कपिल सेठिया, और हमारे यहाँ की लोकप्रिय निगम पार्षद श्रीमती गुरबख्श रावत, आज सबसे ज़्यादा तो इनको खुशी होगी, इनके एरिया के अंदर में एक का बड़ा काम है, फोकस करने का, पीछे पढ़ने का। ये देखिए मीठा फल है, हैं, जो आज अपने एरिया में खेत के ले आई है, ये इनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है और खुशी हमारे सांसद मैडम के लिए भी है सबसे ज़्यादा, क्योंकि इनका वरद होता है पूरा, है पीछे ताकत से लगे रहती है हर हर चीज़ के लिए, और खासकर एजुकेशन में विशेष उनका ध्यान है, विशेष ध्यान देते हैं ये एजुकेशन में, पर जब प्रेशर आता है तो हमको तो साइन करना पड़ता है। हम फिर धर्मपाल जी को बोलते हैं फाइल जल्दी तैयार करिए, हैं फाइल जल्दी तैयार कर। देखिए हमारा भारत देश का बहुत गौरवशाली इतिहास है हर क्षेत्र में, आप इतिहास देखो, भारत धन धान्य से भरपूर था, सोने की चिड़िया कहते थे इसको, सोने की चिड़िया कहते थे हमारे भारत, खाली धन धान्य से नहीं था, तो ज्ञान का भी भरपूर भंडार था यहाँ। इस मौके पर सांसद किरण खेर ने कहा कि जब वह किसी स्कूल का उद्घाटन करती हैं तो अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बच्चों को शिक्षा देने में अग्रणी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इसके लिए धन्यवाद देती हैं कि जब भी चंडीगढ़ सरकार से कुछ भी मांगती हैं तो उनको मिलता है। एंड आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने चंडीगढ़ के बच्चों की और उनके माता पिताओं की ये आवाज़ सुनी, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद हमारी सरकार का, बहुत धन्यवाद गवर्नर साहब का, एडवाइज़र साहब का, और जितने भी हमारे यहाँ पर एकत्रित हैं हमारे अफसर जिन्होंने इसमें योगदान दिया, थैंक यू वेरी मच, जय भारत जय हिंद। इस मौके पर एरिया पार्षद गुरबख्श रावत ने राज्यपाल और सांसद खेर के लिए चंद पंक्तियाँ पढ़कर सुनाई और उनका धन्यवाद दिया। चंडीगढ़ प्रशासन तकनीकी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, IT एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स कर रहे हैं। आपने देखा है कि 10 नए स्कूल्स की अनाउंसमेंट हुई है, लेकिन जितने भी पुराने स्कूल्स हैं उनमें पूरी तरह से जो है टेक्निकल लैब्स और IT इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जा रहा है। एक्सटेंशन ब्लॉक्स जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ वो बनाए जा रहे हैं, जहाँ जहाँ पर कंप्यूटर्स की ज़रूरत है वो दिया जा रहा है, जहाँ लैब्स की कमी है उसको बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इसका मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करती हूँ, और हमें लगता है कि शहर चंडीगढ़ में जिसे हम आज स्मार्ट सिटी कहते हैं, स्मार्ट एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन जो कर रही है ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। थैंक यू। आई थिंक 450 के करीब कंप्यूटर्स दिए गए हैं और बाकी जो है जो टैबलेट्स 750 के करीब वो टैबलेट्स दिए गए हैं, और मुझे लगता है ये सारे बच्चों को आज की डेट में ज़रूरत है।
क्योंकि जिस तरह से आपने देखा जैसे कोविड का एक हमारी महामारी आ गई थी उसमें स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को के अंदर अगर कंप्यूटर्स पड़े तो पड़े ही हैं, बच्चों को एजुकेशन के लिए अपने आप पता नहीं कहीं से बच्चे लोन ले रहे थे, कहीं से हेल्प ले रहे थे, वहाँ जाकर वो एजुकेशन को अवेल कर रहे थे। तो एक चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा स्टेप है कि कुछ टैबलेट्स के माध्यम से कुछ कंप्यूटर एजुकेशन को आईटी को बढ़ावा देने के लिए ये सब किया जा रहा है। प्लस वन प्लस टू ऑलरेडी स्कूल में थी लेकिन हम सारी स्ट्रीम्स नहीं चला पा रहे थे क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लैब्स नहीं थे साइंस की, तो उस सब के लिए इस एक्सटेंशन ब्लॉक की रिक्वायरमेंट थी और इसके लिए बार बार हमने रिक्वेस्ट की। एडवाइज़र साहब ने भी पूरा निर्देश दिए थे अपनी मीटिंग्स के अंदर जो काउंसलर्स की मीटिंग ली थी और ये कार्य आज पूरा हुआ है, गवर्नर साहब के हाथों से शुरू हुआ है। तो ये हम इसकी प्रशंसा करते हैं कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन तकनीकी शिक्षा को आगे बढ़ा रहा है। वी वांट टू मेक चंडीगढ़ एज ए रीजनल सेंटर फॉर एजुकेशन, चंडीगढ़ रीजनल सेंटर फॉर एजुकेशन। उसमें जैसे अभी 10 नए स्कूल का अनाउंसमेंट हमने जब होम मिनिस्टर साहब आए थे तब अनाउंस हुआ था, 6 स्कूल का फाउंडेशन हम इस साल लगा देंगे, 4 का अगले साल लग जाएगा। और उसके अलावा जैसे सेक्टर एजुकेशन ने बताया ही है, स्मार्ट क्लासेस पे काफ़ी जोर हम कर रहे हैं और जो टीचर्स रिक्रूटमेंट पे भी काफ़ी फोकस है और एक तरह से जो बेस्ट जो मॉडल होना चाहिए एजुकेशन का वो हम बनाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ गवर्नर साहब का और स्कूल दे एजुकेशन सैकटरी और मैडम काउंसलर का जो कि साढ़े स्कूल 39 दे सी दे विच के स्कूल प्लस टू तक से एक बिल्डिंग होर ओपनिंग अज करके गए गवर्नर साहब। और मैं इस स्कूल दे विच मैं चेयरमैन भी हाँ कि जाने कि साड़ी बहुत सानू लोड सी कि जाने कि स्कूल दे विच बिल्डिंग होवे कि जेड़ा असी प्रोपर साढ़े बच्चे पढ़ के लिख के दूजे स्कूलों ना जान, दूजे सैक्टर ना जान। कि मैं बहुत धन्यवाद करता हाँ और मैडम और गवर्नर साहब का कि जी साड़ी अज बिल्डिंग, और मैं नाल ही अपनी एसोसीएशन का बहुत धन्यवाद करता हाँ कि जिन्होंने मेरे नाल मुंडे ना मुंडा ला के खड़े रहे हर जे चाहे वह पंजाब दे चाहे वह चंडीगढ़ के एजुकेशन सैकटरी हो जां एजुकेशन डायरैक्टर होण ते जां फिर गवर्नर साहब दे होण। मैं बहुत धन्यवाद करता। देखिए चंडीगढ़ से अजीत झा की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।